आंकड़े बता रहे हैं कि भारत में कोरोना का प्रकोप अब धीरे धीरे कम हो रहा है। हालांकि मौत की संख्या अभी बहुत ज्यादा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में 152,734 नए कोरोना केस और 3,128 संक्रमितों की जान चली गई। वहीं 2,38,000 लोग कोरोना से ठीक होकर भी घर चले गए हैं। यानी कि बीते दिन 88,416 एक्टिव केस कम हुए हैं। इससे पहले शनिवार को 1,65,553 नए केस दर्ज किए गए थे। आज देश में लगातार 18वें दिन कोरोना वायरस के नए मामलों से ज्यादा रिकवरी हुई है। 30 मई तक देश भर में 21,31,54,129 कोरोना वैक्सीन की डोज दिए जा चुके हैं। बीते दिन 10,18,000 टीके लगाए गए। वहीं अब तक 34,48,00,000 से ज्यादा कोरोना टेस्ट किए जा चुके हैं। बीते दिन 16.83 लाख कोरोना सैंपल टेस्ट किए गए, जिसका पॉजिटिविटी रेट 8% से ज्यादा है। देश में आज कोरोना की ताजा स्थिति, कुल कोरोना केस 2,80,47,534, कुल डिस्चार्ज 2,56,92,342, कुल एक्टिव केस 20,26,000, कुल मौतें 3,29,100। देश में कोरोना से मृत्यु दर 1.17% है, जबकि रिकवरी रेट 91% से ज्यादा है। एक्टिव केस घटकर 8% से कम हो गए हैं। कोरोना वायरस और कोरोना वैक्सीन से जुड़ी हर महत्वपूर्ण खबरों से हमेशा अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें।